नमस्कार, मैं हूं सुखमिंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियन से। दोस्तों, लुधियाना में कोरोना के चलते एक बहुत बड़ा चैलेंज आन पड़ा है पुलिस के लिए, और पुलिस के लिए सबसे बड़ा सहयोग है ट्रैफिक मार्शल्स का। तो आइए हैबोवाल के एरिया में चलते हैं, जहां ट्रैफिक मार्शल्स की टीम के हेड करण ढंड अपनी टीम के साथ डटे हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और साथ ही साथ सुनते हैं ट्रैफिक मार्शल्स के व्यूज। आइए चलते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ हैं करण ढंड, हैबोवाल। जैसे ही आप एंटर करते हो, भूरीवाला गुरुद्वारा के सामने आते हो, तो बहुत बड़ी टीम यहाँ पर ट्रैफिक मार्शल्स की होती है। तो उनके हेड हैं करण जी। तो करण जी, कैसा महसूस होता है, आपकी टीम रात दिन इतने दिनों से लगी हुई है? सर, टीम दे वर्क नूं देखदे हुए बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है कि जिदा मैं देख रहा, मेरे नाल लड़कियां भी ने, हाउस वाइफ भी ने, यंग स्टूडेंट ने, मतलब उन्होंने देख के ये फील हो रहा भी वाकई ही असी हिंदुस्तानी हैं, असी एक वाकई इंडियन। उन्होंने जज्बा देखते हुए, उन्होंने सुबह तो रात तक मेहनत देखते हुए, मतलब भुखे पेट भी वो खड़ते हैं, धुप छां भी देखते हैं, मतलब वाकई दिलों एक सलूट है भी वाकई असी इंडियन हैं। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? क्योंकि लोगों को ये होता है कि जो बाहर निकला है उसको ये होता है कि ना तो पुलिस रोके, ना ट्रैफिक मार्शल रोके, बस मेरी गाड़ी को कोई हाथ ना दे। ज़्यादा लोग ये एक VIP फीलिंग लेके घर से निकलते हैं, तो क्या कोऑपरेट करते हैं? सर, जो समाज है ना, समाज दी जो इस टाइम प्रॉब्लम्स ने, जिदा घरेलू प्रॉब्लम्स हुई या बच्चों का होया या कोई भी प्रॉब्लम्स हुई, समाज नाल असी चलते हैं, पर समाज साढ़े नाल जो मिसबिहेव करता है, असी उहदी प्रॉब्लम नूं समझदे होए असी उस दे उप्पर भी एक्टिविटी करते रहने हैं, भी जिस नूं किसे नूं कोई प्रॉब्लम हुंदी है असी उहदी प्रॉब्लम का भी हल कढ दिंदे हैं, भी तां जो घरां दे विच ही रहना, घरां तों बाहर ना आण। उह कभी गुस्सा या इरीटेशन नहीं होती कभी ऐसे? नहीं सर, क्योंकि आप इंडियन एक हिंदुस्तानी हाँ, असं समाज के रेंदे हुए समाजिक काम ही करते हैं। आप गुस्सा क्यों करना, क्योंकि सबनों पता है काम कार खत्म हो चुके हैं, इस टाइम लोग भुखे भी रह रहे हैं, तो उन्होंने प्रॉब्लम्स होंदिया ने, बंदे खुद भी प्रॉब्लम के बच्चे ने, तो उन्होंने इरीटेट असं नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, आप बहुत प्यार से बहुत अच्छे ढंग से लोगों को देख रहे हैं। तो ज़्यादातर यहाँ के लोगों की क्या प्रॉब्लम्स होती है? सर, ज़्यादातर तो यही हो रहा है, क्योंकि हैबोवाल एरिया है एक, मतलब कि मीडियम कैटागरी के इधर लोग रहते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्होंने नहीं रखा, जिदा किसी ने DMC जाना, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई सब्जी भाजी की प्रॉब्लम, या किसी ने कोई दुख तकलीफ है, कोई ज़्यादा कुछ गल होगी, तो उन्होंने असी मतलब पूरी एक्टिविटी करते हैं, तो साढ़े मार्शल जो पूरी तनो मनो उन्होंने सेवा निभा रहे हैं, ता जो समाज के किसी भी तरह का कोई मिस ना जाए, मतलब कोई स्नेहा मिस ना जाए जी। तो करण जी, आपसे बात को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन पहले हम आपकी टीम के लोगों के व्यूज जानना चाहेंगे। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा नाम जसप्रीत कौर। तो कैसा लग रहा है सेवा करके? सेवा करके बहुत वधिया लग रहा है, क्योंकि ये जड़ी महामारी कोरोना वायरस अपने देश में वायरस फैलिया होया, आप यही सेवा कर रहे हैं, आप सेफ रह सकी, यही पब्लिक नूं समझाया जा रहा है। प्लीज़ इनू मजाक च ना लिता जावे, क्योंकि असी भी अपने छोटे छोटे बच्चे छड के सवेरे 9 बजे तो लैके 6 बजे तक इतने ड्यूटी दिने हैं, ताकि अपनी फैमिलियाँ सेफ रहन, मेन अपने बच्चे सेफ रहन। प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है पब्लिक तो, इनू मजाक च ना लिता जावे, तो प्लीज़ सेफ रहन, होर कुछ नहीं, बस थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। परमिंदर सिंह सर, जी कैसा लग रहा है सेवा करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर, तो जो हमारी नो थैंक सर, थैंक यू, सेवा कर देते हैं अभी। अभी कोई दिक्कत आ रही है कोई के नहीं? नहीं सर। घर दे की कहंदे, जदों सारा दिन इत्थे आके ड्यूटी देने हो? करदियां ने, कुछ नहीं कहंदे। खुश हुंदे आ? हां जी, कहंदे आ खुश। नहीं, थैंक यू। नीरज कोहली। नीरज जी, सिविल डिफेंस और ट्रैफिक मार्शल्स बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, बहुत टफ होती है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। जनता के नाम कुछ खास कहना चाहेंगे? बस हम तो यही कहेंगे कि आप घर पर रहिए और सेफ रहेंगे, क्योंकि कोरोना जो है ये बहुत भयंकर बीमारी है, इसे जितना बचा जाए उतना बेटर है जी। धन्यवाद। पूनम। पूनम जी, बड़ा टफ है ट्रैफिक मार्शल के तौर पर काम करना, और आपकी सारी टीम बहुत बढ़िया ढंग से कर रही है, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो क्या जनता के लिए कुछ खास कहना चाहेंगे? उन्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहें, बाहर ना निकले, क्योंकि ये वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा होने के कारण हम लोग यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें भी हमारा प्रोत्साहन करना चाहिए और उत्साह बढ़ाना चाहिए घर पर रहकर, कि हम लोग घर पर रहें और हम लोग भी ऐसे अपनी ड्यूटी करते रहें अच्छी तरह। थैंक यू, थैंक यू। शुभम जी। शुभम जी, कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है देश की सेवा करके। हमारे सीनियर करंट जी
जिन्होंने हमें लगाया है देश की सेवा के लिए। हम प्रशासन को यही बेनती करना चाहते हैं कि अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि इस कोरोना वायरस की अभी दवाई नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन को यही बेनती करना चाहता हूँ मैं लोगों को, तो लोग माने और अपने अपने घरों में रहें। थैंक यू वेरी मच जी। दिशा जी, आप क्या करती हैं? मैं एमकॉम कर चुकी हूँ, यूजीसी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, प्लस मैं जॉब करती हूँ लॉजिस्टिक्स में, बिजनेस सपोर्ट। वंडरफुल। तो आपने लोगों की सेवा का एक बहुत बड़ा कदम उठाया, कैसा महसूस हो रहा है? सर, एक तो आज ये मेरा पहला दिन है, मैं आज पहले दिन आई और मैंने फेसबुक पेज से ऑनलाइन अप्लाई किया था। अच्छा। क्योंकि आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन, चाहे वो घर बैठ के हो, चाहे वो घर से बाहर निकल के हो। लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि पैनाडेमिक तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें उससे फाइट किया है और आई नो कि ये बीमारी भी जल्दी चली जाएगी। बस हमें ज़रूरत है कि हम अवेयर रहें, अपना ध्यान रखें, घर में रहें और अगर बाहर भी आ रहे हैं तो प्रॉपर प्रोटेक्शन लें, उससे हम जो अपना फ्यूचर है वो ब्राइट कर पाएंगे। क्योंकि अगर जिंदगी होगी तभी जी पाएंगे, तभी बाहर भी निकल सकेंगे, इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। तो आप कितने दिनों से ट्रैफिक मार्शल के तौर पर यहाँ कार्य? मेरा आज तीसरा दिन है। ओके, कैसा फील हो रहा है? सर, फील बहुत अच्छा फील हो रहा है कि पब्लिक के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है हम उनके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं कि आप घरों से मत निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहिए। हम यही कोशिश करते हैं सभी को समझाने के लिए। तो पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट है? सर, फुली सपोर्ट है, पेरेंट्स फुली सपोर्ट करते हैं कि आप लोगों को जागरूक कीजिए, सभी में जागरूकता फैलाइए कि लोग अपने घर से घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें और ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, इससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका क्या शुभ नाम है? बिलसी सर। और क्या करती हैं आप? हाँ जी, बस लोगों की सेवा करते, समाज की सेवा कर रहे हैं हम खड़े, बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो क्या एम है आपका? आगे जाके देखो वो जी क्या बनता। थैंक यू। क्या शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम मंजू सिंह है जी। तो वाकई आप तो देखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई थाने की इंचार्ज है, तो काफी रोबदार चेहरा है, तो कैसा लगता है ये ड्यूटी परफॉर्म करके? बहुत अच्छा लगता है। करण जी की टीम में कितने दिनों से आप? हफ्ता हो गया सर। हफ्ता हो गया, वेरी गुड। तो पेरेंट्स क्या आपको अप्रिशिएट करते हैं? जी बहुत अच्छे। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। क्या शुभ नाम है? सर, मेरा नाम गुरजीत कौर है। तो गुरजीत जी, कैसा लग रहा है ट्रैफिक मार्शल बनके? सर, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो मौका मिला समाज की सेवा करने का, बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। और हमें ये मौका करण टंड हमारे जो सर है उन्होंने हमें ये मौका दिया, अगर वो हमें ये मौका ना देते तो हम भी घर पे बैठे होते और हम यहाँ पे समाज की सेवा ही कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लोग भी बहुत सारे कुछ कोऑपरेट कर भी रहे हैं और कुछ नहीं भी कर रहे, और जो नहीं कर रहे उनके आगे मैं यही विनती करना चाहूँगी, प्लीज़ हम यहाँ पे खड़े हैं, आपके लिए खड़े हैं, हमारी बात को सुनो, हम भी अपना घर बार छोड़ के आपके लिए ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो प्लीज़ हमारी बात को सुनो, ये जो वायरस है महामारी फैली हुई है, ताकि ये जल्दी से इसका खात्मा हो सके, ये इसका नाश हो सके। तो वेल स्पोकन जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? मैं खड़े होकर बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों की सेवा करने में हमें ये प्राउड फील हो रहा है कि हाँ, हम भी एक लोग हैं जो लोगों की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि कई सोचते हैं कि नहीं हो सकता लोगों की सेवा, बट सब कर सकते हैं लोगों की सेवा। वेरी गुड, ऐसा जज्बा होना चाहिए दिलों में, फिर सेवा हो। आप देखिए कि कितना जोश है, मैंने बहुत दिनों से इनको देखा है, यहाँ डटे होते हैं कई की घंटे ड्यूटी में। आपका क्या नाम है सर? माई सेल्फ रवि रासोई। रासोई साहब, कितनी उम्र है? एज मोर देन 65 है, 65-66 अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी। तो कैसा लगता है, आप बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ डटे हो? आई एम फीलिंग वेल, बाय गॉड ग्रेस आई एम गेटिंग सम स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाई आई एम ग्लैड टू सर्व द पब्लिक एंड सर्व द पुलिस डिपार्टमेंट। क्या बात है, पुलिस डिपार्टमेंट दिस मार्शल टीम बनी हुई है, क्रिएट की हुई है, ही इज माई सीनियर मिस्टर करंट एंड ही इज वेरी कोऑपरेटिव पर्सनैलिटी, ऑलवेज कोऑपरेटिव टू ऑल द मार्शल्स। और मैं समझता हूँ कि लोगों को तो समझाने का हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं है कि हम कोई इम्प्लाई नहीं है, नौकरी नहीं है हमारी, पैसा नहीं है, लेकिन फ्री ऑफ कास्ट वी आर सर्विंग टू द पुलिस डिपार्टमेंट एंड पब्लिक टू वेयर द पब्लिक फ्रॉम कोरोना एंड हेल्प द पुलिस डिपार्टमेंट। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। करण जी, वाकई बड़ा अच्छा लगा आपकी टीम के सभी लोगों को मिले, कोई तो एमकॉम पढ़ा हुआ है, कोई हाउसवाइफ है, तो कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब है, तो एक अंकल तो 60+ हैं, तो कमाल है वाकई। तो जितने भी लोग देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि और लोग किस तरह से आप लोगों की टीम में शामिल हो सकते हैं, ताकि आप लोगों की टीम को और ज़्यादा बड़ा किया जा सके,
इस महामारी से फाइट करने में? सर ये मैं तो यही कहूँगा कि मेरा ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरा कोई ज़्यादा रोल है, मेरा रोल यही है भी यंग पीढ़ी है, जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, चाहे वह लड़कियां ने चाहे लड़के है, वह बढ़ चढ़ के हिस्सा लैन, क्योंकि अपने देश से जो भी विपता आई है ज कुछ भी होया नौजवान पीढ़ी ने ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे वह भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद का टाइम से चाहे वह इस महामारी का टाइम है, अपने नौजवान पीढ़ी ने ही बढ़ चढ़ के अपने देश को मतलब सेवा लिए प्रेरित करना, तो इस चीज़ को अपने अपने देश के विचों की वर्ल्ड के विचों इस गंदी बीमारी को दूर करना। थैंक यू वेरी मच करण जी, थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमने अभी अभी मिलवाया लुधियाना में ट्रैफिक मार्शल्स के एक ग्रुप के साथ, जिसमें उनके हेड हैं करण ढंड, और पॉपुलैरिटी आपने उनकी देखी कि दिन प्रतिदिन उनकी टीम में शामिल होने वालों की गिनती बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे भी यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर हिम्मत है, अगर जज्बा है, तो फिर रहने दो घर में सोने को या सारा दिन आराम करने को। आप लोग भी लुधियाना पुलिस के पेज को निकालिए गूगल से, और फिर करण ढंड की तरह आप भी बन जाइए ट्रैफिक मार्शल्स की टीम में शामिल होने के लिए। और इसी तरह किसी एक इलाके में अगर आप लीडर बन जाते हैं ट्रैफिक मार्शल्स के, तो लोगों की बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे। आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा आज का ये स्पेशल इंटरव्यू, और साथ ही साथ इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी प्रेरणा मिले। फिलहाल करते हैं इसको ख़त्म, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। और कैमरामैन नवल कुमार के साथ मैं सुखमिंदर सिंह, वॉइस ऑफ एशियंस लुधियाना से।